नीता अंबानी ने वाराणसी में की बनारसी साड़ी की शॉपिंग। साड़ियों की शॉपिंग करते हुए नीता अंबानी की ये झलक सामने आई है। क्या अपने छोटे बेटे की वेडिंग के लिए नीता कर रही हैं बनारसी साड़ी की शॉपिंग? अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में अब बस कुछ ही दिन बाकी है। ऐसे में पूरी अंबानी फैमिली वेडिंग की तैयारियों में जुड़ गई है। बता दें, अनंत और राधिका 12 जुलाई को शादी करने जा रहे हैं और उससे पहले देश की सबसे अमीर फैमिली ने अपने बेटे अनंत अंबानी और होने वाली बहू राधिका मर्चेंट के लिए कई ग्रैंड प्री वेडिंग इवेंट्स होस्ट किए। इसकी शुरुआत जामनगर सेलिब्रेशन के साथ हुई और कपिल का दूसरा प्री वेडिंग इवेंट लग्जूरियस क्रूज पर होस्ट किया गया। इस सेलिब्रेशन के खत्म होते ही अंबानी परिवार अब ग्रैंड वेडिंग की तैयारी में लग गए हैं और रिसेंटली नीता अंबानी, अनंत और राधिका की शादी के लिए बनारस में बनारसी साड़ियां खरीदती नजर आई। जी हां, इस वीडियो में आप भी नीता अंबानी को वाराणसी के एक स्टोर में साड़ीज की शॉपिंग करते हुए देख सकते हैं। एक्चुअली रिसेंटली नीता अंबानी वाराणसी गई थी अपने बेटे अनंत अंबानी की शादी का पहला इनविटेशन कार्ड लॉर्ड शिवा को काशी विश्वनाथ टेंपल में ऑफर करने। इसके बाद उन्होंने बनारसी साड़ी की शॉपिंग के लिए वहां की लोकल मार्केट विजिट की, जिसकी एक क्लिप ऑनलाइन सर्कुलेट हो रही है। इसमें नीता अंबानी को एक बड़ी से स्टोर में कई सारी ऑप्शंस देखते हुए देखा जा सकता है। इस दौरान पिंक साड़ी ऑरेंज ब्लाउज में नीता अंबानी काफी खूबसूरत लग रही थी। उन्होंने अपने लुक को डायमंड नेकलेस, मैचिंग इयररिंग्स और पर्ल कड़ा के साथ कंप्लीट किया। वैसे नीता अंबानी जहां साड़ियों की शॉपिंग में बिजी दिखाई दी, वही ग्रूम टू बी अनंत अंबानी को रिसेंटली अजय देवगन काजोल और अक्षय कुमार ट्विंकल खन्ना को पर्सनली वेडिंग इनवाइट देने के लिए उनके घर विजिट करते हुए देखा गया। अनंत ने महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे से मिलकर उन्हें भी अपने बिग डे के लिए इन्वाइट किया। आपको बता दें, अनंत राधिका चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं और 12 जुलाई 2024 को शादी कर रहे हैं। 12 जुलाई को शादी के बाद शुभ आशीर्वाद सेरेमनी 13 जुलाई को शेड्यूल्ड है, जहां गेस्ट इंडियन फॉर्मल अटायर पहन के आएंगे। अगले दिन यानी 14 जुलाई को अंबानी मंगल उत्सव यानी वेडिंग रिसेप्शन होस्ट करेंगे। क्या आप भी अनंत राधिका की ग्रैंड वेडिंग की एक झलक पाने के लिए उतने ही एक्साइटेड है जितने बाकी सब?